हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो नेक्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। तो डेसिमल एक्सपांसन बच्चों और रियल नंबर का, तो उसमें हम रेशनल नंबर की भी बात करेंगे और इरेशनल नंबर की भी बात करेंगे। जैसे कि बच्चों मैं आपको कोई एक नंबर दे रहा हूँ 1/3, तो 1/3 है बच्चों। अगर इसको मुझे डेसिमल एक्सपांड करने का मतलब कुछ नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। जैसे कि मैं लिखूँ 4/100, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ 0.04। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1/3 लिखा है, तो अगर मैं 1/3 को 1 को 3 से डिविजिबल करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1, यहाँ से 3, 0 ज़ा 0, 1, 0.33 ज़ा 9, 1, 0.33 ज़ा 9, फिर 1, 0, 3, 3 ज़ा 9, ये कंटिन्यूस चलता ही जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे मैं से लिख सकता हूँ 0.333, मतलब 3 क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3। यहाँ पे ऊपर मैंने ये लाइन की, इसका मतलब ये क्या डिनोट करता है कि 3 रिपीट हो रहा है। तो जब भी इस टाइप के बच्चों ऐसे नंबर होना, जैसे कि पॉइंट के बाद या फिर पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो उस टाइप के नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस टाइप के नंबर को क्या कहेंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। का मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट मतलब पॉइंट के बाद वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं और कंटिन्यू बच्चों वो रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी दूसरा एग्जांपल मैं दिखाऊं, बाजू में ही है यहाँ पे बच्चों, यू कैन सी हियर। जैसे मैंने लिखा है 4/100, तो 4/100 का मतलब पॉइंट के बाद दो नंबर स्टॉप हो गए, मतलब आगे नहीं जा रहा है और वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर को कहेंगे बच्चों हम ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये जो टाइप का नंबर होगा बच्चों, उसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर। तो पॉइंट के बाद 3 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो इस टर्म को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और यहाँ पे बच्चों ये हो रहा है टर्मिनेटिंग। इसका मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे इन दोनों को मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। कौन से नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को और टर्मिनेटिंग को। इसका मतलब ये दोनों को मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जब भी आपको ऐसा पूछे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, तो ये आपके क्या हो जाएगी बच्चों, ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स। इरेशनल का भी देख लेते हैं बच्चों, इरेशनल किसे कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई एक नंबर लिख रहा हूँ 1.36943981, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस टाइप के नंबर को एक नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब इस नंबर को हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग। बच्चों इस नंबर को मैं P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हम थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि अगर मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होगा तो मेरा रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर जो नंबर है वो पॉइंट के बाद कंटिन्यूस चलता ही जा रहा है बट रिपीट नहीं हो रहा, तो उस नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो चलिए बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। मतलब आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर बताना कि वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है, आपको 3/36/100। तो 36/100 को मैं से लिख सकता हूँ 0.36। इसका मतलब ये पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब आगे नहीं जा रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है।
तो इस नंबर को हम कहेंगे बच्चों टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों ये मेरा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सेकेंड आपको बोला गया है 1/11। तो 1/11 को डिवीजन करें यहाँ पे, तो ये आपका 1 यहाँ पे और 11, तो यहाँ पे 1 से तो होगा नहीं, तो 11 जीरो जा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, अभी भी नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा और यहाँ पे आएगा पॉइंट, बट फिर भी बच्चों अभी भी 11 यहाँ पे रिमाइंडर 0 10 है, यहाँ पे 11, तो फिर से 11 जीरो जा चलेगा 0, ये आपका हो जाएगा 10 और एक और 0 लगा देंगे, तो फिर बाद में रूल्स है कि भाई अगर 0 लगाएंगे फिर बाद में आपका हो जाएगा 11 9 जार, तो 99। ओके बच्चों फिर 1 आएगा, ओके फिर यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगा तो नहीं चलेगा, फिर से 11 0 जार ये 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 110 और पीछे एक 0, तो फिर से 11 9 जार 99, ये आपका 1 हो जाएगा। मतलब बच्चों ये कंटिन्यूस क्या होगा, अभी चलता ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि ये जो मैं अगर 1/11 है, यहाँ पे 1/11 है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है बच्चों, 0.09 रिपीट हो रहा है, देखो 0.09 क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इस टाइप के नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 में आपको बोला गया है 4 इंटीजर 1/8 मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, 8 4 32 प्लस 3 32 प्लस 1 मतलब 33 अपॉन 8। नाउ 33/8 को डिविजिबल कर देते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा 33 और यहाँ से 8, तो यहाँ से 8 4 जा चलेगा, 8 4 जा 32, 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे पॉइंट, 8 1 जा 8 होगा बच्चों, 2 फिर से 0, 8 2 जा 16 होगा, 4 एक 0 लगाएंगे तो 8 5 जा 40, इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये मेरा कौन सा नंबर है, इसको मतलब लिख सकता हूँ ये से 33/8 = 4.125। तो ये पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब ये मेरा जो नंबर है बच्चों, ये मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। आई होप ये एक दो तीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तो बाकी के जो तीन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई करना, बस ऐसे ही आपको डेसिमल देखना है, डिविजिबल करके देखना है, अगर नंबर पॉइंट के बाद स्टॉप हो रहा है तो मेरा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर नंबर पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रहा है और कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे। अगर मेरा जो नंबर है बच्चों पॉइंट के बाद कंटिन्यूस क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है बट वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक बोला गया है 1/7, 1/7 आपको दे दिया यहाँ पे 0.142857, मतलब 0 पॉइंट के बाद जो 142857 है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है मतलब 2/7 3/7 4/7 5/7 और आपको दिया है 6/7, ये आपको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया इसका एक्चुअल डिवीजन, मतलब आपको 2/7 3/7 4/7 नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों एकदम इजी है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी 1/7 दे दिया है, तो मैं आपको एक फर्स्ट वन करके दिखाता हूँ, 2/7 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7, ओके तो 1/7 की वैल्यू मुझे दे दी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/7 की दी है 0.142857, ये रिपीट हो रहा है, बस अभी क्या कुछ नहीं करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 2 7 जार कितना हो जाएगा बच्चों 14, कैरी 1 चली जाएगी, 2 5 जार 10 10 प्लस 1 11 1, यहाँ से 1 कैरी, 2 8 जार 16 2 8 जार 16 प्लस 1 7, यहाँ से कैरी, 2 2 जार 4 प्लस 1 5 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2 और पॉइंट का पॉइंट और 2 0 जार 0, इसका मतलब अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ, ओके तो यहाँ पे 2 4 जार 8
ओके, तो इसका आंसर रहेगा 285714, ये आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं किया बच्चों मैंने, 2 को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है यहाँ पे लिखा कि आगे फॉरवर्ड की 2 के 5 10 किया, 1 किया, के लिए अगर फॉरवर्ड की 2 8 जा 16 प्लस 1 7, के लिए अगर फॉरवर्ड की 2 को जा 4 प्लस 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और 0। तो बाकी के जो दो को एक और करके दिखा देता हूँ बच्चों मैं आपको, 3/7 है, जैसे कि 3/7 है तो कुछ नहीं करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 क्या हो रहा है, कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 7 21। ओके, तो यहाँ से बच्चों 3 7 21, 1 2 केरी, 3 5 15 प्लस 1 17, 7 1 केरी, 3 8 24, 24 प्लस 1 5, 2 एज ए केरी, 3 2 6 प्लस 2 इट्स 8, फिर 3 4 12, 2 1 केरी, 3 1 3 प्लस 1 4 और 0 का 0, और यहाँ पे 0.42857 इसका मतलब ये का आंसर। तो बाकी के जो 3 है वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। यहाँ पे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया, ना क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों बहुत ही ईजी है, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है यहाँ पे 0.6 को मुझे बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, 0.6 ऐसे रिपीट दिया है, तो मुझे इसका पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, बहुत ही ईजी। तो पहले करना क्या है आपको, x इज इक्वल टू 0.6 रिपीट है तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है जो नंबर वो पहले लिख दो, यहाँ पे कौन से 0.6, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 6। अभी पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 6 एक ही बार है, मतलब एक ही डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो एक बार रिपीट हो रहा है तो आपको क्या कर देना है, 9 लिख देना है, फिर इसको कट आउट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से ये आपका हो जाएगा 2 3 जा, और यहाँ से ये 3 3 जा, 3 3 कट, तो आपका आंसर रहेगा क्या बच्चों 2/3। तो इसका मतलब 0.6 को अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2/3। दूसरा क्वेश्चन बच्चों समझाता हूँ मैं आपको, दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला गया 0.47 ऐसा, तो मैं इसका मतलब यहाँ पे बच्चों 7 सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है, 7 ही रिपीट हो रहा है, तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया x इज इक्वल टू 47 लिख दो, यहाँ पे बच्चों एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो नंबर रिपीट नहीं होगा उसको इसमें से आपको माइनस कर देना है, कर दिया माइनस, ओके। फिर बाद में नीचे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बच्चों, 7, मतलब एक ही बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ओके, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या लिख देना आपको 9। कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक नंबर, कौन सा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो उसका क्या करेंगे हम 0, तो 47 - 4 ये आपका क्या हो जाएगा 43/90, ये आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका थर्ड वन आपको बोला है, थर्ड वन में बच्चों 0.001 रिपीट हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया x इज इक्वल क्या लिख देना है आपको 0.001, मतलब ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बच्चों, 3 नंबर, कौन कौन से, 1, 2 और 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो कितनी बार 9 लिखोगे, 3 टाइम। अभी ये क्या हो रहा है, फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब 0.001 को अगर मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिखूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0.01/999। आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन जय हिंद।